नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग ठीक है ओभरी के बारे में ध्यान देंगे। जिस तरह से बोलेंगे कि फीमेल में ओभरी होता है उस तरह से प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसमें भी ओभरी होते हैं। ध्यान से पहले समझिएगा, देखिए ये डायग्राम जो दिख रहा है ये ओभरी के साथ ठीक है अस्टिग्मा को भी जूम करके दिखाया गया है। ध्यान से देखिए ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है अस्टिग्मा, क्या बोलूँ अस्टिग्मा। और अस्टिग्मा से देखेंगे इस तरह से जो पाइप की जैसा नजर आ रहा है ठीक ना उसको स्टाइल कहते हैं, उसको वर्तिका भी उसको वर्तिका कहते हैं। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है ओभरी है, क्या बाबू ओभरी। और ध्यान ओभरी के अंदर क्या होता है ओभरी होता है, देखिए ये पॉइंट में लिखा होगा ओभरी ओभरी बड़ा बड़ा ठीक है ओभरी के अंदर क्या है ओभर, देखिए ये ओभर। और ओभर के अंदर देखो इस तरह से ऐसे न्यू सेलस होता है, देखिए इसके अंदर ऐसा न्यू सेलस होता है ठीक है, तो न्यू सेलस हो गई। और न्यू सेलस के अंदर क्या होता है इंडियोसाइट होता है, नोट ये इंपॉर्टेंट है याद रखो। चलो फिर से मैं बोल रहा हूँ ओभरी है, ओभरी के अंदर ओभर होता है और ओभर के अंदर न्यू सेलस और न्यू सेलस के अंदर इंडियोसाइट होता है। लेकिन बात आती है कि पोलन ग्रेन इसके अंदर आता कैसे, जब पोलन ग्रेन हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या किसी एनिमल के थ्रू या फिर मान लिया जाए हो सकता है बर्ड के थ्रू है ना, अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर आता है उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। और अगर पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है कहाँ अस्टिग्मा पर, तो अस्टिग्मा है ना अस्टिग्मा होता है अस्टिग्मा STIGMA ठीक है। अगर अस्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आता है बाबू ध्यान देंगे तो अस्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आएगा तो अस्टिग्मा स्टिकी स्टिकी सब कुछ केमिकल को रिलीज कर देता है, वहां पर आता है पोलन ग्रेन तो पोलन ग्रेन क्या चिपक जाता है। लेकिन याद रखेंगे पोलन ग्रेन का बाहरी लेयर जो है ना जिसको एग्जाइन कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता है जिसको क्या कहते हैं एग्जाइन कहते हैं। और एग्जाइन जो है जो अस्पोरोपोलिनिन का बना होता है, क्या चीज का बना होता है अस्पोरोपोलिनिन का। और अस्पोरोपोलिनिन को गलाने के लिए आज तक कोई एंजाइम नहीं बने इसलिए पोलन ग्रेन जल्दी गलता नहीं है, अस्पोरोपोलिनिन का बना होता है। लेकिन अंदर वाला लेयर को इंटाइन कहते हैं INTINE, क्या कहते हैं वो इंटाइन कहते हैं। और इंटाइन सेलुलोज का बना होता है, क्या चीज का बना होता है सेलुलोज का। ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि पोलन ग्रेन का बाहरी लेयर एग्जाइन और अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहते हैं, एग्जाइन के अंदर स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन को ग्लाने के लिए आज तक कोई एंजाइम नहीं बने हैं। और अंदर वाला लेयर जो होता है सेलुलोज का बना होता है, क्लियर है। चलो जब पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है देखो पोलन ग्रेन में इस तरह से कटा सा कुछ स्ट्रक्चर भी दिखेगा जिसको हम लोग जर्मपोर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको जर्मपोर GERM है ना जर्मपोर कहते हैं। और इस जर्मपोर से निकल रहा है देखो पोलन ट्यूब, ये क्या निकल रहा है पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के साथ साथ है ना पोलन ट्यूब बनते हुए इस तरह से अंदर आएगा और इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट आएगा, क्या आएगा दो मेल गैमेट आएगा। और दो मेल गैमेट कहाँ आएगा धीरे 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 ओवरी के अंदर मतलब एम्ब्रियोसाइट में, और एम्ब्रियोसाइट में आकर के ये क्या करेगा देखो यहाँ ये एक के साथ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा एक के साथ मिलेगा विशेष इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पर देखिए ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल ओव्यूल जो है ना जो एक इस तरह से देखेंगे कि ना स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फोनिकल्स कहते हैं। ये फोनिकल्स फोनिकल्स कहाँ तो प्लेसेंटा से लेकर के ओव्यूल के बीच होता है, लेकिन ओव्यूल जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ था फोनिकल्स से उसका नाम क्या है हाइलम, क्या बोलते हैं हाइलम। ये भी एग्जाम में पूछता हाइलम क्या है, तो ओव्यूल और फोनिकल्स जिस पॉइंट पे अटैच होता है उसको हाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं हाइलम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा देखो ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर क्या है प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के प्लेसेंटा से क्या फोनिकल्स स्टार्ट होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ठीक है बोलते हैं महिलाएं के यूट्रस में भी होता है प्लेसेंटा, जो माँ माँ क्या माँ की बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है बच्चा को नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर भी प्लेसेंटा होता है समझेंगे। ये प्लेसेंटा क्या करता है तो ओवरी को ओव्यूल को न्यूट्रिशन देगा, किसको देगा ओव्यूल को देगा न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर समझेंगे तो देखिए ये जो देख रहे हैं ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया फनिकल्स और ये हो गया हाइलम, और ये हाइलम के अंदर क्या हो गया ओव्यूल हो गया। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बारे में पूछेगा तो बताओगे आपको ओव्यूल के बारे में, ध्यान से सुनो यही ओव्यूल जो है जो क्या बनता है तो ओव्यूल जो है ना तो डेवलप करके सीड बनता है, क्या बनता है सीड, जबकि ओव्यूल क्या बनता है तो फ्रूट बनता है FRUITS फ्रूट्स बनता है, क्लियर है। तो याद रखो ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स फल में चेंज होता है जबकि ओवरी जो है सीड बन जाता है, क्या बनता है सीड। अब ध्यान देंगे देखो यहाँ ओवरी के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर न्यू सेलस है, न्यू सेलस के अंदर इम्ब्रियोसाइट है, देखिए यह डायग्राम बना हुआ है इम्ब्रियोसाइट का बना हुआ है। देखिए इम्ब्रियोसाइट एंजियोस्पर्म का इम्ब्रियोसाइट की बात करें, एंजियोस्पर्म का जो इम्ब्रियोसाइट होता है उसमें 7 सेल होता है, कितने सेल होते हैं 7 सेल होता है।
और आठ को न्यूक्लियस होता है, एन यू सी एन ई यू एस, ध्यान देंगे इक्वल कलर। इसीलिए डायग्राम कभी कभी पूछता है ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ सेवन से एट निकली आई, ठीक है, तो आपको इसका डायग्राम बनाना होगा इंडियो साइड। देखो सात सेल कैसे, पहले सात सेल को हम काउंट करते हैं। देखो एक छोटा सा सेल, देखो एक सेल, देखो दो सेल, तीन सेल, ठीक है, और तीन सेल नीचे है ना, चार सेल, पाँच, छः सेल, टोटल छः सेल हो गया। लेकिन एक बड़ा वाला भी सेल है इसमें, ठीक है ना, तो ये बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है तो टोटल सेल की संख्या कितना हो गया, सात सेल, तो इसको बोलते हैं सेवन सेल। अब देखो न्यूक्लियस को काउंट करते हैं, देखो एक दो तीन चार पाँच छः और बीच में दो न्यूक्लियस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एट निकली आए, याद रखेंगे तो सेवन सेल एट निकली आए भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि एंजियोस्पर्म का एंजियोसाइट कैसा होता, तो सेवन सेल एट निकली आए। अब ध्यान दोगे ना, ये जो है ना, इसको अगर मान लिया जाए यहाँ से उठा करके ला करके हम इसमें बैठा देंगे, ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर आएगा तो मान लीजिए अगर ये यहाँ आता है तो पोलन ग्रेन जो है ना, पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ग्रेन कहाँ पर जाएगा, बताओ, इसके अंदर आएगा तो पोलन ग्रेन यहाँ पर आएगा, पोलन ट्यूब बनते हुए यहाँ पर आएगा, समझिएगा इसको अच्छे से समझा, ठीक है, ध्यान दीजिए, पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आएगा तो पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट निकल जाएगा, डायरेक्ट पोलन ग्रेन नहीं आएगा, पोलन ग्रेन तो आकर स्टिग्मा पर आ गया, स्टिग्मा पर आया तो यहाँ से जर्मपोर निकलेगा, और जर्मपोर के थ्रू दो मेल गैमेट आएगा कहाँ, तो ओवरी, और ओवरी से कहाँ, ओवरी, ओवरी से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से यूनिसेक्स में आएगा। अब देखो दो मेल गैमेट जब इसमें आता है तो एक मेल गैमेट क्या करता है, इसके साथ फ्यूज कर जाता है, ध्यान से समझना, एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर गया, इसमें बचा एक मेल गैमेट, ठीक है, तो एक मेल गैमेट जब इसके साथ फ्यूज किया तो पहला फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, प्लांट में क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, इसके बारे में समझेंगे, तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन यहीं पर क्लियर करता है, डबल फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट इसके साथ मिल गया तो एक और तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखो दूसरा मेल गैमेट जो यहाँ पर है जो आकर के यहाँ पर मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, तो पोलर निक्लिया एक साथ मिल जाएगा, इसको सेंट्रल निक्लिया कहते हैं क्योंकि सेंट्रल में होता है, तो इसको सेंट्रल निक्लिया कहते हैं। देखो यहाँ पर एक मेल गैमेट किसके साथ मिल जाएगा, अब देखो पहले से ये क्या था, टू एन था, पहले से क्या था, टू एन, लेकिन जैसे ही एक और मेल गैमेट मिल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, बताइए, थ्री एन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू, थ्री एन, समझेंगे ना, और इसको हम लोग बोल देते हैं इंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म, ई एन डी ओ एस पी ई आर एम, इंडोस्पर्म, नारियल खाते हैं ना, तो नारियल में जो बीच वाला जो पार्ट होता है जो उजला जिसको हम लोग खाते हैं वो क्या है, इंडोस्पर्म है, क्या है, इंडोस्पर्म, ध्यान समझेंगे, तो एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया और दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन तो हो गया, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि मतलब प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन क्या है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, आपको बताना होगा कि एक मेल गैमेट जो है वो एक के साथ मिल जाता है, एक को ओवम या ओवास्फेयर भी कहते हैं, तो एक के साथ मिल जाता है पहला फर्टिलाइजेशन, दूसरा मेल गैमेट जो है जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाता है, मतलब सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, इसी को बोलते हैं ना, सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो बार फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ और एक बार फर्टिलाइजेशन एक के साथ, तो डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पहले से क्या था, टू एन था, एक एन यहाँ पर, एक एन यहाँ पर, और एक आकर के वाला मिल गया, ये बाहर से आया, ठीक है ना, मतलब पोलन ट्यूब के थ्रू आया मेल गैमेट, तो यहाँ पर क्या बन गया, थ्री एन, तो पहले से पोलर न्यूक्लियाई क्या था, टू एन, जब इंडोस्पर्म बनता है तो ये क्या होता है, ट्रिप्लॉयड हो जाता है, मतलब थ्री ओवर, पहले से क्या रहता है, डिप्लॉयड रहता है, क्लियर है। अब ध्यान दो इसको लाने का काम कौन किया, मेल गैमेट को ला कौन रहा है, मतलब पोलन ट्यूब बनाते हुए दो मेल गैमेट जो है इसको कैरी करने का काम कौन कर रहा है, तो ध्यान दो, देखो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सिनर्जी, क्या बोलते हैं, सिनर्जी, तो सिनर गेट के ऊपर फिलीफॉर्म ऑपरेटर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर मतलब सिनर गेट के ऊपर जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर, ये क्या करता है बाबू, तो ये पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बन रहा है उसको अट्रैक्ट करके मेल गैमेट को खींच करके लाने का काम करता है, तो देखो दो फिलीफॉर्म ऑपरेटर, लेकिन जैसे ही ये मेल गैमेट आता है फिलीफॉर्म ऑपरेटर, ये जो मतलब सिनर गेट है ये नष्ट हो जाता है, और ये क्या होता है कि ओवम के साथ, ठीक है ना, मतलब बोल सकते एक के साथ फ्यूज हो गया, तो यहाँ क्या बना लेता है ये, तो ये डेवलप हो जाएगा जायगोट में, जेड वाई जी ओ टी, जायगोट में विकसित हो जाएगा, ठीक है, एक और फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, अब बाकी जो है ना दूसरा का मेल गैमेट यहाँ मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडोस्पर्म बन जाएगा, और देखो यहाँ पर एंटीपोडल सेल, ये क्या है, एंटीपोडल सेल, और एंटीपोडल सेल आगे जाकर के नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंटीपोडल सेल का आगे जाकर कोई काम नहीं रहता, एंटीपोडल सेल खत्म हो गया,
अगर ये ओविड उल्टा बनता, ठीक ना, कभी कभी देखोगे कि ओविड का डायग्राम बिल्कुल उल्टा बनता है, ऐसे ओविड का डायग्राम बना देगा तो ये हो जाएगा ए नॉट टोपस ओविड, ठीक है। डायग्राम देखो इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर देखो डायग्राम ओविड का डायग्राम देखेंगे आप अच्छे से देखेंगे, देखिए इस तरह से बना देता है कभी कभी ओविड का डायग्राम, तो इसको ए नॉट टोपस ओविड कहते हैं। ओपोजिट भी हो सकता है, इसको उल्टा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको बहुत अच्छे से समझो, तो यहाँ पर एंटी पोटेंशियल का कोई काम नहीं रहा, ठीक है ना, ये बाद में जाकर के धीरे धीरे फिर खत्म हो जाता है, और बाकी जो ये इंडोस्पर्म बना और जो जायगोट बना ये विकसित होकर के यही क्या सीड में चेंज हो जाता, तो और ये डेवलप हो रहा है, इसके साथ साथ हम बोलेंगे पूरे फल बना, तो ओविड फल में चेंज होता है जबकि फिर ओविड है जो एक सीड बन जाता है, ओविड के अंदर क्या होता है न्यू सेल्स होता है, न्यू सेल्स के अंदर एम्ब्रियोसाइट होता है और इसी का विकास होता है। क्लियर है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।